बच्चों मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं, सर एग्जाम आ रहा है, सर एग्जाम आ रहा है, सर क्या करें, सर परेशान हो गए हैं। तो नीट एग्जाम बच्चों जब आपके करीब आ रहा है तब आप परेशान हो रहे हैं। क्या आपको इस एग्जाम की परिभाषा पता नहीं है? एग्जाम देने के लिए बच्चों सबसे पहला कंडीशन है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट एग्जाम हो, चाहे आईएएस एग्जाम हो, चाहे जेई एग्जाम हो, सबसे पहले बच्चा उस परीक्षा के पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, किस पैटर्न में जो है एग्जाम पूछा जाता है। और उस आपके इस नीट एग्जाम के पैटर्न में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, परेशानी कैसे दूर होगी बच्चों? परेशानी जो है पढ़ने से दूर होगी। अब इस पैटर्न की स्टडी आप करेंगे कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब आपको क्या करना पड़ेगा? लग के बच्चों डेली 6 से 7, 8, 10 घंटे सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा, तब जाके इस युद्ध को आप जीतोगे। और इसको जीतने के लिए पैटर्न, किसी भी एग्जाम को बच्चों आप जीवन में देने जाओगे उसका पैटर्न जरूर पता होना चाहिए। अगर उस एग्जाम का पैटर्न आपको नहीं पता ना, तो फिर बच्चों फिर आप बर्बाद हो, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप कुछ भी कर रहे हो। एग्जाम अगर आपको नीट पैटर्न नहीं पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे? आप आईआईटी जेई एडवांस की किताबें सॉल्व करोगे, आईआईटी जेई एडवांस की शीट सॉल्व करोगे? नहीं यार, एग्जाम में आता ही नहीं है। वहां से जो एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज पैटर्न, मतलब बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आप देखिए लास्ट 10 ईयर्स का इसका पैटर्न क्या रहा है। इसका पैटर्न रहा है एनसीईआरटी बेस्ड। और लास्ट 10 इयर्स में बच्चों आप टारगेट करेंगे AIIMD एग्जाम एंड नीट एग्जाम। जो लास्ट 10 सालों में बच्चों नीट एग्जाम और AIIMD एग्जाम, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है, इसी के ऊपर बच्चों सारा पैटर्न डिपेंड करता है। इसी के इर्द गिर्द बच्चों घुमा के चीजें पूछी जा रही है। 80% अगर हम बात करें बच्चों, तो सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो पैटर्न मतलब NCERT, कोई और पैटर्न नहीं बच्चा, NCERT पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। रिवीजन, AIIMD एग्जाम, नीट एग्जाम का जो पैटर्न है वो NCERT पैटर्न है। मतलब ये तीनों NCERT बेस्ड बच्चों आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका डर दूर होगा। और रिवीजन, बैठ जाओ यार आज से 10 घंटे 20 घंटे 30 घंटे डेली 10-10 घंटे अगर आप बैठे, डेली 8-8 घंटे अगर आप बैठे, तो आप देखिए 10 दिन 20 दिन 30 दिन 10 घंटे 20 घंटे 30 घंटे आपकी झोली में घंटे होना चालू हो जाएंगे। और जब आपकी झोली में ये घंटे इकट्ठे होना स्टार्ट होंगे, तो फिर नंबर ऑफ चैप्टर रिवाइज होकर कंप्लीट होने लगेंगे। और जब नंबर ऑफ चैप्टर आपके रिवाइज होकर कंप्लीट होने लगेंगे, इन द सिलेबस कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। कॉन्फिडेंस कहां, क्यों गया कॉन्फिडेंस, डाउन क्यों हुआ? क्योंकि साहब नंबर नहीं आए। नंबर क्यों नहीं आए? साहब पढ़ाई नहीं करी। पढ़ाई क्यों नहीं करी? क्योंकि मैं वो सारे काम कर रहा था पढ़ाई को छोड़कर, जिससे नंबर आते हैं उन कामों को छोड़कर मैं सारे काम कर रहा था जिससे नंबर नहीं आते। तो कहां से आएंगे नंबर? सर मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, मरना पड़ेगा। सर मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं, मरना पड़ेगा। बिना मरे जन्नत स्वर्ग हासिल हो ही नहीं सकता। तो जगह पर अगर आप नीट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो PCB ये आपका जन्नत है भाई, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बिना मरे जन्नत हासिल हो ही नहीं सकती, तो बिना पढ़े जो है नीट एग्जाम भी क्रैक नहीं हो सकता। और जो चीजें हो सकती है, मतलब जो चीजों काम हो सकता है नीट एग्जाम क्रैक हो सकता है, कोई तो करता है। और जो चीजें हो सकती है सब हमसे होनी चाहिए बेटा। इसीलिए आज से जो है लग जाओ, डरो मत, युद्ध क्यों सोए हुए हो, लग जाओ इस युद्ध की तैयारी करो। युद्ध अभी हुआ नहीं है, एग्जाम अभी हुआ नहीं है, रिजल्ट अभी आया नहीं है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचे, हताश ना हो कि हम हार गए। या तो हार होगी या जीत होगी, मगर युद्ध होने के बाद होगी ना। अभी तो 3-2 महीने जो हमारे पास है हमें पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों लगे रहिए, घबराने का नहीं।